बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी MSDS इंस्टॉल करने के लिए, तो आज हम लोग ले आए हैं MSDS का इंस्टॉलेशन वीडियो, कैसे हम लोग बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, सबसे पहले हमको गूगल क्रोम को खोलना है। सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधे गूगल पे जाना है, यहाँ पे यहाँ लिखना है आपका ओपन रेल्स। ओपन रेल्स सर्च करने के बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट लिंक जो है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू टू ओपन रेल्स, यहाँ पे स्टार्टर किट करके एक ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसमें एक बेसिकली एक रूट होता है, एक ज़िगज़ैग रेलवे रूट, जो कि एक फॉरेन रूट है। साथ में इंस्टॉलेशन पैकेज होता है पूरा का पूरा, कंटेंट फोल्डर भी होता है, OR का सब कुछ होता है इसके अंदर। तो आपको इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मेरे में ऐसा दिखा रहा है, आपके में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको एक exe फाइल मिलेगी, जो कि कुछ ऐसी होगी, ज़िगज़ैग रेलवे 1.4 इज द लेटेस्ट वर्जन फॉर ओपन रेल्स। ओपन रेल्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो 1.4 है। तो उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे यस पे क्लिक करेंगे, यस के बाद नेक्स्ट पे करेंगे। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है कि कौन से डायरेक्टरी में हम लोगों को इंस्टॉल करना है। मैं बेसिकली MSDS करके एक फोल्डर मैंने बना रखा था पहले से, एम्प्टी फोल्डर है, उसमें मैं सिलेक्ट करूँगा। और आप लोग उसी फोल्डर में सिलेक्ट करिएगा जिसमें कि बहुत सारी स्पेस आपके पास हो, क्योंकि आप लोग इसके अंदर एड ऑन्स ऐड करेंगे, बाई करेंगे, तो वो सब जो आप ऐड करेंगे तो स्पेस बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली इंस्टॉल इट इन फोल्डर विच हैज़ एम्प्टी ऑफ स्पेस। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद स्टार्ट पे। यहाँ पे जो हमारा रूट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, जो कि एक फॉरेन रूट है, ग्रेट ज़िगज़ैग रेलवे। इसके बाद ये इंस्टॉल करेगा 1.4 को। अभी आप लोग जो आपको लैंग्वेज सही लगे, आप इसमें वैसे तो इंग्लिश ही लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी नहीं इसमें, तो आप इंग्लिश में इसमें ओके क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे, क्रिएट अ डेस्कटॉप, यस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे। बहुत ही ईजी स्टेप इंस्टॉलेशन है ये। इसके बाद नेक्स्ट पे करेंगे एंड लॉन्च ओपन रेल्स पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे ओपन रेल्स इंस्टॉल। बेसिकली ये एक आपके लिए एक PDF खुलेगी, जिससे कि आप इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, और हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ये वाली PDF, आप लोग उसको जाके पढ़ सकते हैं। बट आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको साथ में मिलेगी ये PDF, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बेसिक ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं ओपन रेल्स में। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपन, ये खुल चुका है हमारा ओपन रेल्स 1.4। उसके बाद सिंपल स्टेप है, आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शंस पे जाने के बाद कंटेंट फोल्डर पे जाना है एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जाने के बाद दिस PC, जैसे मैंने वॉल्यूम ड्राइव ईम इंस्टॉल किया है, उसके बाद MSDS को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे एंड फिर यहाँ पे भी ओके कर देंगे। सो यहाँ पे वो पाथ आ जाएगा आपका, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है इंस्टॉलेशन प्रोफाइल। आप मल्टीपल प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं, बट मैंने भी मल्टीपल प्रोफाइल्स बना रखी हैं। फिलहाल के लिए हम लोग MSDS को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रूट जो आपको मिला था पैकेज के साथ में वो दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, फिर लोकोमोटिव्स भी बहुत सारे दे रखे हैं, जो कि ट्रेन सेट के साथ आए हुए हैं। आप लोग इसको यहाँ पे जाके स्टार्ट कर सकते हैं, अगर एक्टिविटी सिलेक्ट करके। हमने पहले वीडियो में जो करा था वो करा था हमने कि ओपन रेल्स को हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कि कैसे हम लोग इंडियन मॉड्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि फ्रीवेयर एंड पेवेयर दोनों अवेलेबल रहते हैं। तो हम लोग जो है वो उसको इंस्टॉल करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, trainsim.com हो गया आपका, आपका MSDS IR newbie करके हो गया, ये सारी वेबसाइट्स के जो लिंक्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट्स को इजीली, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक रूट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे MSDS
आयर न्यूबी को सर्च करेंगे हम लोग सबसे पहले, और इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद सबसे पहले हम लोग नीचे जाएंगे एंड रूट्स कलेक्शन पे जाएंगे। रूट्स कलेक्शन पे जाने के बाद आप लोग नीचे जाएंगे एंड जो मैं आपको जो वो दिखाऊंगा उस रूट का नाम है वो कि जो कि है भुसावल से लेके आपका नागपुर तक का, तो उस रूट का इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद ट्रेन सेट कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इंडियंस वाले वो भी दिखाऊंगा इसके बाद। तो हम लोग इस पे यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, एड्स खुलेंगी थोड़ी सी, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई एम नॉट अ रोबोट, फिर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करेंगे, फिर ये टाइमर आएगा, टाइमर जब ये ओवर हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग उसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ चलते हैं सीधे डाउनलोडिंग लिंक पे। उसके बाद डाउनलोड लिंक हेयर पे करेंगे एंड डाउनलोड लिंक हेयर के बाद एक और पेज खुलेगा, देन आपको फाइनल लिंक जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अभी वी हैव टू वेट फॉर 10 सेकेंड्स, यहाँ पे जो है 10 सेकेंड्स के बाद जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो है वो आपका मेगा मेगा की जो फाइल जो है वो खुल जाएगी और यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो ये .exe फाइल में जनरेट होगा। उसके बाद जो है हमको जो है वो इसको इंस्टॉल करना है। कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है वो इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको कि आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ईजिली। ये है वो, ठीक है, आपको इसको करना है ओपन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है इसमें यहाँ पे, तो आप इसको मैं जैसे कि इसमें एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये रूट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तब तक के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, NGP BSL करके आएगा। यहाँ पे ये जो है वो रूट्स का पूरा फोल्डर आ चुका है आपके लिए, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड जो आपकी MSTS डायरेक्टरी जो आपने क्रिएट की थी आप उसमें जाके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे कि मेरी MSTS डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पे है एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये रूट्स करके एक फोल्डर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे ओपन रेल्स में दिख रहा है, तो आप लोग उसको देख पाएंगे कि ओपन रेल्स में कैसे दिख रहा है। इसके बाद जो है हम लोग को इंस्टॉल करना है कि हम लोग कैसे जो है वो हम कोई भी एक एड ऑन इंडियन एड ऑन को इंस्टॉल करना दिखाएंगे कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे trainsim.com को एंड trainsim.com को इंस्टॉल को ओपन करने के बाद जो है हम लोग trainsim.com ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो trainsim.com जो है हमारा ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे जाके जो है यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, मेरे ID पहले से लॉग इन कर रखी है। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसके ऊपर बना दूंगा कि कैसे आप लोग trainsim में लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद आप सर्च फाइल में जा सकते हैं, न्यू फाइल्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके कौन कौन सी लेटेस्ट न्यू फाइल्स आई हैं। सो बेसिकली जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग कोई भी लोकोमोटिव या कोच इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने Web7 यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे Web7, फिर आपको यहाँ पे जैसे कि हम BZA का Web7 हमको डाउनलोड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डाउनलोड पे लगा देंगे। थोड़ी सी स्पीड कम आती है इसमें, तो आप किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें स्पीड बहुत कम आती है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे लग चुका है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब मैं आपको इसको इंस्टॉलेशन का दिखा दूंगा। अभी के लिए जो हमारा वो जो रूट है वो कॉपी हो चुका है, तो मैं ओपन रेल्स को खोल के दिखा देता हूँ कि ओपन रेल्स में कहाँ पे आ रहा है ये हम लोग। तो हमारा ओपन रेल्स जो इंस्टॉल हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रूट जो है वो नागपुर भुसावल जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे MSTS फोल्डर में, या कि वो ओपन रेल्स में। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और इसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि डिफॉल्ट हैं, अभी इसके कंसिस्ट नहीं है, मिसिंग है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एक्टिविटी इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अभी के लिए जो है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ट्रेन सेट इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हमने लोकोमोटिव जो है वो ट्रेन से जो trainsim.com से जो डाउनलोड किया था मैं उसको इंस्टॉल करने के लिए दिखाऊंगा। तो हमारे डाउनलोड्स में जो है वो डाउनलोड हो चुका है bzaweb7.zip फाइल, इसको जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो कि WinRAR की मदद से जो कि एक्सट्रैक्ट हो चुका है। फिर हम इसमें जाएंगे और ये सब पढ़ लीजिएगा, रीडमी फाइल वगैरह इसमें दे रखा है कैसे इंस्टॉल करना है। माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सेट के अंदर जाके हमको bzae
तो हमें लास्ट फोल्डर तक चेक करना है, जैसे कि जहाँ से ये वाली फाइल आ गई जहाँ पे कि डॉट एस फाइल मिलेगी आपको, क्या व्यू साउंड फोल्डर, तो आप इस वाले फोल्डर को जो है आप लोग कॉपी करिएगा। एंड कॉपी करने के बाद आप लोग जाएंगे एम एस टी एस डायरेक्टरी के अंदर और ट्रेन्स के अंदर जाएंगे, फिर ट्रेन सेट के अंदर जाएंगे एंड इसको जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग चेक कर सकते हैं अपने ओपन रेल्स में जाके। सो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो हमारा रहेगा कि हाँ आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एक कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप ब्रोकन कंसेस जो है उसको फिक्स कर सकते हैं यूजिंग TSRE।